ओके सो हाय एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपन बोर्ड के बारे में। ओके कि ओपन बोर्ड का जो है वो वैल्यू है या नहीं। तो इससे पहले हम अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस बिहार स्टेट ओपन बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ओपन बोर्ड से पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत है या नहीं, वेदर इट इज एन आयुष बोर्ड और बी बॉस या फिर एनी अदर स्टेट बोर्ड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो ओके, तो वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एन आयुष बोर्ड किसके लिए लाया गया था। तो सिंपल सा यहाँ पे इसका बात यह है कि एन आयुष बोर्ड उन लोगों के लिए लाया गया था जो कि 10th और 12th में वो फी जो 10th और 12th का है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर वो किसी वजह से जो है वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, या फिर वो बीच में पढ़ाई स्किप कर दिए और फिर से उनको पढ़ने का इरादा है, तो वो लोगों के लिए एन आयुष बोर्ड लाया गया था। पर्पस यही था। ओके, नॉट ओनली एन आयुष, कोई भी बोर्ड जो है ओपन बोर्ड वो इन्हीं लोगों के लिए लाया गया था। जैसे कि स्टेट बोर्ड या फिर एन आयुष बोर्ड, तो इन लोगों का जो पर्पस था वही था कि जो बच्चे फी देने में सक्षम नहीं हैं, या फिर सिंपल सा बात यह है कि अगर हम 10th का एग्ज़ाम दें या फिर उसमें मार्क्स कम आ जाए तो आप एन आयुष बोर्ड या फिर कोई भी एनी अदर ओपन बोर्ड से एग्ज़ाम दे करके अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपको जो है CBSE या फिर स्टेट बोर्ड में अगर 60-70% आया है तो आप कुछ हद तक अपना परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। और इंक्रीज करने का वजह ये होता है कि इसका जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ईजी होता है इन द कंपेरिजन ऑफ CBSE और स्टेट बोर्ड। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि एन आयुष बोर्ड जो है वो अगर हम लोग 10th और 12th किए हैं तो उससे फ्यूचर में या फिर कोई भी ओपन बोर्ड से फ्यूचर में कोई दिक्कत होगा या नहीं 10th और 12th करिए हैं तो। ओके, अगर आपने किया है तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। आप अगर बोर्ड से पढ़े हैं, ओपन बोर्ड से पढ़े हैं या फिर स्टेट ओपन बोर्ड से पढ़े हैं या फिर एन आयुष बोर्ड से पढ़े हैं, तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको देखना यह है कि आप जिस भी ओपन बोर्ड से एजुकेशन ले रहे हो वो गवर्नमेंट को दोबारा ऑथोराइज होना चाहिए या फिर आप कह सकते हो उसका मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो गवर्नमेंट को दोबारा। अगर वो स्टेट ओपन है तो वो आपको स्टेट गवर्नमेंट को दोबारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और अगर ओपन है तो ओपन को दोबारा, अगर वो एन आई यू एस है या फिर सेंट्रल ओपन बोर्ड है, जैसे एन आई यू एस का फुल फॉर्म यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो यहाँ पे उसका मान्यता आप गवर्नमेंट को दोबारा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दोबारा ऑथोराइज होना चाहिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब कब होता है। तो इसका एग्ज़ाम आपको इन ईयर टू टाइम, इन मंथ ऑफ जून और इन मंथ ऑफ लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर, इसमें आपको जो एग्ज़ाम होगा। और रिजल्ट की अगर बात करें तो रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली टू एंड हाफ मंथ में आपको ईजिली वो लोग दे देते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी बहुत ही कम होते हैं, तो रिज़ल्ट भी आपको डेफिनेटली बहुत ही जल्दी मिल जाता है। मैंने स्टेट बिहार बी बॉस से रिलेटेड एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है और इसका जो कैसे पता करें कि हमारा जो है वो सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट में किस किस जगह पे जो स्कूल है वो इससे कनेक्ट हैं। तो बहुत सारे को दिक्कत रहता है कि जो एन आयुष बोर्ड है या फिर ओपन बोर्ड है वो हमारे CBSE के इक्वल है या नहीं, तो डेफिनेटली ये इक्वल ही है। बट अगर हम लोग बात करें ना बोर्डे, तो बहुत सारे मैंने बहुत ही लोगों से सुना है कि जैसे अगर आप कोई टेंथ, अगर आप टेंथ से ओपन बोर्ड से पास हुए हो तो अगर आप 12th में जाते हो तो आपको एडमिशन के लिए कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में गए तो फर्स्ट वो लोगों का एडमिशन होगा जो या तो CBSE से हैं या फिर स्टेट बोर्ड से हैं, एंड ओपन बोर्ड से जो पास आउट होते हैं उनको सेकेंड रेफरेंस वहाँ पे दिया जाता है। तो ओके, तो बाकी इसका जो वैल्यू है वो सेम है,
आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो, वेदर इट इज़ UPSC, NEET, JEE मेंस, एनीथिंग, और नेवी और आर्मी, आप सब में जा सकते हो। आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं कि इसका वैल्यू है या नहीं, इसका जो है पूरा सब जगह वैल्यू है। ओके, तो अगर ये पूछना कि ये CBSE के बराबर है या नहीं, तो आई थिंक इट्स टोटली रॉन्ग कि ये गलत होगा, क्योंकि जो 80-75% जो हैं वो CBSE से सेटिस्फाइड होते हैं, और जो बचते हैं वो स्टेट बोर्ड। ओके, अब ओपन बोर्ड कौन देता है, तो सिंपल सा मैंने वीडियो का पहले ही बोला कि जो लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी 10th तक पढ़ के, फिर उनको देने का मन है तो वो दे करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और दूसरा वो लोग जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो वो फिर से फॉर्म भर करके दे सकते हैं, और उनका जो मार्क्स कुछ हद तक अच्छा आता है, क्योंकि इसका जो है वो सिलेबस ईजी है। तो ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।